Okay, hello students, let me start the measurement of national income. Third concept is measurement of national income. जैसे हम अर्लियर टॉपिक में पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर आर थ्री फेसेस इन सर्कुलर फ्लो, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। तो ये तीनों फेसेस जो है नेशनल इनकम के मेजरमेंट करने के फेसेस हैं, और तीनों फेसेस पर अगर हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो तीनों फेसेस पर हमारे जो आंसर आने वाले हैं नेशनल इनकम के वो सेम रहेंगे। तो सबसे पहला फेस अगर हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में हमारे फैक्टर इनकम के डिस्ट्रीब्यूशंस को मेजर किया जाता है, जिसको हम इनकम मेथड द्वारा मेजर करते हैं। इनकम मेथड में नेशनल इनकम को मेजर करना है, जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट के टाइम में हमें सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करना होता है, और फैक्टर इनकम चार होती है, फोर होती है, वो है आपकी लैंड की रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। तो हम सीरियल वाइज लेते हैं, सबसे पहले हम लेबर की वेजेस को लेते हैं। तो लेबर की वेजेस को हम बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इज ऑल्सो नोन एज रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट वेजेस इन कैश, जो भी एम्प्लॉय को कैश में पेमेंट मिल रही होगी वो वेजेस इन कैश में कंसिडर किया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए डियरनेस अलाउंस, बोनस इंक्लूड किया जाता है, जो कि कैश में एम्प्लॉय को मिल रहा होता है। अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा होगा तो बोर्ड में सैलरी इन कैश लिखा होगा, जिसको हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इंक्लूड करना होगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉय को सिर्फ कैश में पेमेंट नहीं किया जाता, उनको काइंड के रूप में भी पेमेंट किया जाता है, जैसे उनको रहने के लिए क्वार्टर दे देना, उनके लिए फूड प्रोवाइड कराना, ये सब वेजेस इन काइंड के फॉर्म में आएगा। वेजेस इन काइंड के फॉर्म में आने पर इनको हम इसमें कंसिडर करते हैं, जैसे कि फ्री हाउस, फूड, यूनिफॉर्म, ये सब वेजेस इन काइंड के रूप में दिए गए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। थर्ड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बोर्ड में आपको एक चीज को कंसीडर करना है, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो तो आपको इनको एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो तो ही उसे ऐड करना होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जैसे कि आपका सोशल सिक्योरिटी यानी कि आपकी सोशल सिक्योरिटी के रूप में जो आपके ओनर आपके फ्यूचर के लिए रिजर्व करते हैं, उसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंसीडर किया जाता है, जिसमें आपकी पेंशन, ग्रेच्युटी, इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस LIC, ये सारे कंसीडर किए जाते हैं, जो फ्यूचर एस्पेक्ट में ओनर अपने एम्प्लॉय के लिए रखते हैं रिजर्व में। तो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो आपको इन तीनों को कंसीडर नहीं करना है उस टाइम, और अगर बोर्ड में कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ना लिखा है, रिन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं लिखा है, तो आपको इन तीन चीजों को ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनाना है, जिसमें आपका वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड
एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन तीनों को ऐड करने से आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो जाएगा। इसमें आपका सबसे पहला फैक्टर इनकम कंप्लीट हो गया, जिसको हम वेजेस के रूप में जानते हैं। सेकेंड आपका ऐड करना है जो रिमेनिंग फैक्टर इनकम बची है, तो रिमेनिंग फैक्टर इनकम में आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आपके रिमेनिंग फैक्टर इनकम को ऐड करना है, जिसमें आपका रेंट, लैंड के ऊपर रेंट मिलता है, पर लैंड के नीचे अगर रिन्यूमरेट करना है तो रॉयल्टी, तो आपको रेंट ऐड करना है, रॉयल्टी ऐड करना है, इंटरेस्ट और ऐड करना है और प्रॉफिट और ऐड करना है। तो इन फोर फैक्टर इनकम को ऐड करने के बाद आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट होती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देना है, तो जिससे आपका ऑपरेटिंग सरप्लस निकल आएगा। अगर कंडीशनली आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया तो प्रॉफिट के तीन पार्ट दे रखे होंगे, उनको आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट का पहला पार्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो आप कॉर्पोरेशन टैक्स होगा उसको जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स के अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहा जाता है, सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहा जाता है, तो इनको तीन नाम से जाना जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर और सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। थर्ड आपका डिविडेंड, आप इन तीनों को कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड को ऐड कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है और उसके साथ साथ ये तीन भी दे रखे हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, तो आप इनको इग्नोर करेंगे। अगर आपने इसको ऐड कर दिया तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट कर लेंगे, तो इसीलिए जो उसके सब पार्ट हैं वो तभी आपको ऐड कर रहे हैं जब उसका मेजर फैक्टर नहीं दे रखा हो। जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इग्नोर करने हैं। और अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तब आपको वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड करना है। सिमिलरली अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है तो कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड इग्नोर कर रहा है, और अगर नहीं प्रॉफिट दे रखा है तब इनको ऐड करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो आपकी चार फैक्टर इनकम होगी, एक वेजेस जिसको हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में पढ़ा, सेकंड ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यही चार फैक्टर इनकम होती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। पर इसके अलावा भी ये तो वो इनकम है जो क्लासिफाइड है, इनको अलग अलग कर रखा है, पर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जिसको खुद के बिजनेस करते हैं, उनको ये इनकम अलग अलग तरीके से नहीं मिलती है, मिक्स फॉर्म में मिलती है। तो थर्ड इनकम जो फैक्टर इनकम है वो आपको ऐड करनी है, वो है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेसमैन जो होते हैं उन वो कहीं किसी के यहाँ जॉब नहीं करने जा रहे, तो उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट है वो अलग से नहीं मिल रहा है, उनकी जो लैंड है उनको रेंट अलग से नहीं मिल रहा है, उन्होंने जो अपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उनका इंटरेस्ट नहीं से अलग से मिल रहा है, तो ये ऐसी स्थिति में उनको ये सारी जो इनकम है वो एक मिक्स फॉर्म में मिलेगी, तो उनकी जो इनकम है वो हम कह नहीं सकते कि वो प्रॉफिट है, वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि उसमें उनका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व है, उनका इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, उनकी रेंट भी इन्वॉल्व है, उनकी वेजेस भी इन्वॉल्व है, तो इस ऐसी इनकम को हम मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो हमारी चारों फैक्टर इनकम कंप्लीट हो चुकी है, एक है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को जब ऐड करेंगे हम, क्योंकि वेजेस अलग हो गया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और इन सबका मिक्स फॉर्म मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गया, तो अब इन तीनों को जब ऐड करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को ऐड करने से हमारी जो नेशनल डोमेस्टिक इनकम आएगी वो आएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनडीपी एट एफसी। नेट इसलिए आया क्योंकि इनकम में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, और
फैक्टर कॉस्ट इसलिए आया है क्योंकि इनकम पर कोई टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होता, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट है। अब हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई है, इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो हम डोमेस्टिक इनकम में NFI है, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बेटा ये याद रखिएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है तो ऐड करना है, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा है तो एक्सक्लूड करना है, उसे ऐड नहीं करना है, उसे माइनस करना है। पर बोर्ड आपसे एक टेक्निकली तरीके से उसे कंफ्यूज करेगा, वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी लिखेगा और वैल्यू भी माइनस में देगा। तो जैसे हमने मैथ में पढ़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो टू भी माइनस करना है और वैल्यू भी माइनस किया तो प्लस हो जाएगी। तो बोर्ड में ध्यान रखना, टू लिखा होगा और माइनस में वैल्यू होगी तो ऐड करना है, और अगर सिर्फ टू लिखा है वैल्यू पॉजिटिव में है तो फिर डिडक्ट ही करना है, उसे माइनस करना है। तो हम कंपल्सरी एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिस्ड इनकम को जोड़ने के बाद NDPATFC कैलकुलेट कर लेंगे, इनको ऐड करने के बाद NDPATFC आ जाएगा, और उसमें NFI जोड़ते ही, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ते ही हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, यानी NNPATFC। ये याद रखिए, हमारी जो नेशनल इनकम होती है हमेशा नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट पे होती है। तो हमारी इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसके आप न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें जहां पर आपको कंफ्यूजन हो वो आप पूछ सकते हैं बाद में। ओके, अब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट सेकंड फेज में करते हैं, जिसमें आपका आपका डिस्पोजिशन फेज यानी एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो डिस्पोजिशन फेज यानी कि यहां पर हमारी नेशनल इनकम डिस्पोज हो रही है। डिस्पोज होने का मतलब खर्च हो रही है। तो हमारा इसमें मेथड लगता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। हम जैसे जब हम नेशनल इनकम की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ना होता है, क्योंकि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को पढ़ने की इसकी नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन पे बेस्ड है। दैट मीन्स कि हमारा इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से ही पूरी इकोनॉमी डायरेक्ट होती है। तो हमारा डिमांड जो है वो आज प्री डिटर्मिनेंट फैक्टर है देन रेदर देन सप्लाई, जो कि जेबी से के नियम के अगेंस्ट है। इसमें सबसे पहले हम सेक्टर लेते हैं हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर है जिसको हम बोलते हैं हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो भी हाउस होल्ड फाइनल गुड पे खर्च करेगा वो हम हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कंसिडर करेंगे। सेकेंड हमारा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा जो भी फाइनल खर्च होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसमें हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हाउस होल्ड का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब फर्म की बात करते हैं तो थर्ड यहां पर हमारी नेशनल इनकम की कंसिडरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर हमें नेशनल इनकम में अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो आगे का फर्दर प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर अगर हमारा टर्म ग्रॉस लिखा है तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी वो ग्रॉस निकल कर आएगी, और अगर हमारा यहाँ पर टर्म नेट लिखा है तो हमारी नेशनल इनकम नेट निकल कर आएगी। अब हम ग्रॉस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे। इसका कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो हमारी फर्म में इन्वेस्ट करती है उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। अगर ये नहीं दे रखा है तो इसके दो टर्म दिए होंगे, ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर है कि इसमें फिक्स नहीं लगाया और इसमें फिक्स लगा हुआ है। तो अगर हमारे सामने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसका मतलब है कि इसमें हमें चेंज इन स्टॉक, स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा।
अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक नहीं ऐड करना, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन में जो लास्ट में फैक्ट्री में क्लोजिंग स्टॉक बचेगा उसमें जब फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी तो जो ओपनिंग स्टॉक था उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा चेंज इन स्टॉक निकल कर आता है। तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट कर लेंगे। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, तो इसके अंदर तीन पार्ट आते हैं। फर्स्ट आता है ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो बिजनेसमैन ने हमारा इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल फॉर्मेशन किया है, वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंड ग्रॉस हाउसहोल्ड कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी हाउसहोल्ड सेक्टर ने अपने घर बनाने में खर्च किया है वो हमारा आ जाएगा। एंड थर्ड ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पे खर्च किया है वो ऐड हो जाएगा। तो हम ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस हाउसहोल्ड कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। और हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। फोर्थ हमारा जो वेरिएबल है उसे बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये हमने जैसे पढ़ा था हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म और एक्सटर्नल सेक्टर, तो ये एक्सटर्नल सेक्टर की ट्रांजेक्शन है जिसको नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। अगर नेट एक्सपोर्ट लिखा है तो ऐड करना है, अगर नेट इंपोर्ट लिखा है तो आपको वो डिडक्ट करना पड़ेगा। नेट इंपोर्ट का मतलब होगा इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, और जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था कि इंपोर्ट जो होता है वो लीकेज होता है, जो सर्कुलर फ्लो में से हमारी मनी को विड्रॉ कर देता है, और हम ऐसी कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल को कंसीडर नहीं करते हैं जो हमारे मनी की सप्लाई को रिड्यूस करे। तो हमारी जो नेशनल इनकम को रिड्यूस करने वाला फैक्टर है वो इंपोर्ट, तो अगर इंपोर्ट एक्सीड देन एक्सपोर्ट हो जाएगा तो हमारी नेशनल इनकम कम हो रही होगी, इसलिए हम उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते, यानी उसे डिडक्ट करते हैं। तो नेट इंपोर्ट माइनस करना है और नेट एक्सपोर्ट ऐड करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट से हमारे इंजेक्शन होता है, पैसा हमारी नेशनल इनकम में इंजेक्ट होता है, नेशनल इनकम में जुड़ जाता है। तो जब हमारा एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा तो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनेगा, और जब इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होगा तो नेट इंपोर्ट बनेगा। तो नेट इंपोर्ट नेशनल इनकम में डिडक्ट करना है और नेट एक्सपोर्ट ऐड करना है। अब ये हमारे चारों सेक्टरों की एक्सपेंडिचर आ गया, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। जब हम इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आएगी वो जीडीपी एट एमपी निकल कर आएगी। जी इसलिए ग्रॉस इसलिए क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इनकम ग्रॉस थी। और अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया गया है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एमपी आएगी। मार्केट प्राइस दोनों में ही आएगा क्योंकि हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो मार्केट से होता है, यानी हम बाजार से खरीदते हैं तो उसमें एनआईटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम मार्केट प्राइस पर आती है। तो ये यहाँ पे जीडीपी एंड एमपी आएगी, थर्ड कंपोनेंट के बिहाफ पर ही ये क्लासिफाइड होता है। अगर हमारा जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो जीडीपी एंड एमपी आएगा, अगर हमारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो एनडीपी एंड एमपी आएगा। अब जैसे मैंने बताया कि नेशनल इनकम हमेशा नेट होती है और फैक्टर कॉस्ट होती है, तो हमें इसे कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा कि ग्रॉस कैसे नेट में बदला जाता है और नेट कैसे ग्रॉस में बदली जाती है। तो हमें ग्रॉस से नेट में बदलना है तो ग्रॉस से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने से ही हमारी जो नेशनल इनकम है वो नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमें फैक्टर कॉस्ट में लाना तो मार्केट प्राइस में से हमें फैक्टर कॉस्ट में बदलने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देना है। तो ये दोनों चीजें डिडक्ट करने के बाद हमारी जो डोमेस्टिक इनकम बनेगी वो एनडीपी एट एफसी बनेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर हमारे पास एनडीपी एट एमपी आया है
तो हमें कुछ नहीं, इसमें से सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना है, जिससे हमारा एनडीपीएड एफसी बन जाएगा। अगर एनडीपीएड एफसी में हम एनएफआईए ऐड कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम बनकर निकल कर आ जाएगी, यानी कि एनएनपीएड एफसी। तो इस तरह से हम डिस्पोजिशन फेज से यानी एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला गया नेशनल इनकम होगा। थर्ड फेज आते हम जनरेशन फेज। तो सेल्स बाय फर्म में अगर लिखा है तो आपको एक्सपोर्ट नहीं जोड़ना है, सेल्स बाय फर्म में टू डोमेस्टिक मार्केट लिखा है तो एक्सपोर्ट ऐड करना है। इस डोमेस्टिक मार्केट में टू फर्म बी लिखा आएगा तो भी एक्सपोर्ट जोड़ना है, टू गवर्नमेंट लिखा है तो भी एक्सपोर्ट जोड़ना है, टू एनजीओ लिखा है तो भी एक्सपोर्ट जोड़ना है, टू हाउस होल्ड लिखा है तो भी आपको एक्सपोर्ट जोड़ना पड़ेगा। तो सेल्स बाय फर्म जो सके हमें निकालना पड़ता है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स निकालने के लिए यहाँ पर ये कंसीडर करना होता है। सेल्स बाय फर्म ए लिखा है तो वो पूरी ओवरऑल सेल दे रखी होगी, और सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी लिखा है तो एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए लिखा है तो आपको कुछ कंसिडर नहीं करना है, और अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी लिख दिया गया है तो इसका मतलब उसने फर्म बी से खरीदा है, इंटरनेशनल मार्केट से नहीं खरीदा है, तो आपको इसमें इंपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को पूरा कंप्लीट बना सकते हैं और सेल्स को भी कंप्लीट बना सकते हैं। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल करना है नेशनल इनकम का, तो आपको क्या करना है, तीनों सेक्टर जो कि हमारा सप्लाई साइड से देखा जाता है उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इस तरह से हमारा वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर निकल आएगा। सेकेंड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसके लिए आप क्या करोगे, सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर करेंगे। एंड थर्ड आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शियरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ टर्शियरी सेक्टर। तो ये तीनों सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के वैल्यू एडेड निकालेंगे आप, और वैल्यू एडेड निकालने के बाद तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, और जीडीपी एट एमपी आने के बाद इसमें से माइनस डेप कर देंगे, माइनस एनआईटी कर देंगे तो ये एनडीपी एट एफसी आ जाएगा, और एनडीपीएड एफसी आने के बाद इसमें एनएफआईए जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी, यानी कि एनएनपीएड एफसी आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में हमें नेशनल इनकम निकालने से पहले वैल्यू एडेड निकालना आना चाहिए, वैल्यू एडेड निकालने के बाद तीनों सेक्टर के वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट करने के बाद हमारा जीडीपीएड एमपी आ जाता है, उसमें से डेप और एनआईटी माइनस करने के बाद एनडीपीएड एफसी आ जाता है, और उसमें एनएफआईए जोड़ने के बाद वो एनएनपीएट एफसी आ जाता है। तो इस तरह से हम थर्ड फेज यानी वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आफ्टर नोइंग द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वी शुड नो अबाउट द वेरियस ट्रीटमेंट व्हाइल वी मेजरिंग द नेशनल इनकम। क्या होता है कि हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट तो करते हैं पर नेशनल इनकम के कैलकुलेशंस में हम कुछ एरर कर जाते हैं जिनको हमें नेशनल इनकम के ट्रीटमेंट में सीखना होता है। तो ट्रीटमेंट में नेशनल इनकम में हमें किस चीज़ को हम नेशनल इनकम में नहीं ऐड करना होता है, तो हम नेशनल इनकम की ट्रीटमेंट पढ़ते हैं।
नेशनल इनकम के ट्रीटमेंट में हम दो चीजें, एक जो इंक्लूडेड है और जो एक नॉट इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड का मतलब हो गया जो हम नेशनल इनकम में जोड़ रहे हैं, और एक्सक्लूडेड का मतलब हो गया जो नेशनल इनकम में नहीं जोड़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले नॉट इंक्लूडेड वाली चीजों की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम है, हम सबसे पहले ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़ते हैं। जो भी यूनिलैटरल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, जैसे कि गिफ्ट है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये सब हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ने वाले हैं वो है आपका सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जो हम सेल्स और शेयर्स और बॉन्ड्स का सेल एंड परचेज करते हैं वो नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इससे मेयर पेपर क्लेम। पर अगर ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स एंड परचेज पे ब्रोकर्स को मिल रहा है, ब्रोकरेज मिल रहा है, तो वो हम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं। तो वही शेयर्स एंड बॉन्ड्स के जो ब्रोकरेज है वो हम जोड़ते हैं नेशनल इनकम में। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड नहीं जोड़ेंगे, पर उसका ब्रोकरेज जो है वो जोड़ेंगे। इसके अलावा हम इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी वैल्यू फाइनल गुड में इंक्लूडेड होती है। तो हम फाइनल गुड को नेशनल इनकम में जोड़ते हैं पर इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं जोड़ते हैं। इसके अलावा नॉन मार्केट ट्रांजिशन, नॉन मार्केट ट्रांजिशन जो है वो हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू निकालना आसान नहीं होता है। जैसे मदर कुक फूड फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, इसलिए उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। पर वही मदर अगर एक रेस्टोरेंट में या एक होटल में एज अ सेफ के रूप में काम कर रही है और उनको सैलरी मिल रही है, तो उनकी यही सर्विसेज नेशनल इनकम में जोड़ी जाएगी। तो जो भी जिसकी मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है, जैसे मेड खाना बना रही है तो उसका नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, पर मदर खाना बना रही है तो उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। तो नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लेजर टाइम एक्टिविटीज होती है, जैसे फादर अपने बेटे को पढ़ाता है तो वो नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाली जाती है। पर टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है तो नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। तो नेशनल इनकम के ट्रीटमेंट के टाइम में हमें ध्यान रखना है किसकी मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है, किसकी नहीं निकाली जा सकती है। इसके अलावा इलीगल इनकम, इलीगल इनकम को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना है, क्योंकि इनकी अकाउंटिंग नहीं की जाती है। इसके अलावा आपको इलीगल इनकम के अलावा आपको क्या नहीं जोड़ना है, तो इलीगल इनकम के अलावा आपके कैपिटल गेन, ये नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना है। इसके अलावा विंडफॉल गेन नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना है। विंडफॉल गेन का मतलब होता है एकदम से मिला हुआ पैसा, जैसे लॉटरी, ठीक है, गैम्बलिंग से मिला हुआ पैसा, ये हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते हैं। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड हैंड गुड्स है, जैसे सेकेंड हैंड गुड्स है, उनको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ना है, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू उसके प्रीवियस सेल ईयर में जोड़ी हुई होती है, पर सेकेंड हैंड गुड्स पे जो मिला हुआ ब्रोकरेज होता है वो नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। तो हम नेशनल इनकम के टाइम में इन चीजों को नहीं जोड़ेंगे, और उसके अलावा जो हमने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल किए थे उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा हमें नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नेशनल इनकम की एक समस्या है, प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, हम जब नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू मल्टीपल टाइम्स में नेशनल इनकम में जुड़ जाती है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम विच अराइज व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम व्हेन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स रिकॉर्डेड मोर देन वंस। जब हम एक से अधिक बार किसी चीज की वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहलाती है। अब इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे
सारे प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन फेज में अपने प्रोडक्ट को फाइनल ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे हमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है? जैसे एक मान लीजिए फार्मर है, फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन किया और उसने वीट को मार्केट में 1,000 रुपीज में सेल कर दिया, तो उसकी जो ये सेल है वो उसको फाइनल ट्रीट करेगा, पर ऐसा नहीं है कि वो फाइनल है, तो उसको अगर नेशनल इनकम में उसने 1000 में वीट के वैल्यू को रिकॉर्ड करा दिया तो उसने नेशनल इनकम 1000 हो गई, पर इसको फाइनल मानकर उसने रिकॉर्ड कराया, पर उसको किसने, फ्लोर मिल ने परचेज कर लिया है, तो उसके लिए यही 1000 रुपीज का जो वीट है वो इंटरमीडिएट गुड्स होने के कारण, वही फ्लोर मिल ने यही वीट इंटरमीडिएट के रूप में परचेज कर लिया है, तो यही 1000 रुपीज क्या है, इंटरमीडिएट ट्रीट कर दिया गया, और उसने फ्लोर मिल ने उसे फ्लोर में कन्वर्ट करके मार्केट में 1500 का फ्लोर भेज दिया है, आटा भेज दिया है, तो अब इसके हिसाब से जो फार्मर के हिसाब से वो फाइनल प्रोडक्ट था वो वही फ्लोर मिल के लिए इंटरमीडिएट ट्रीट करा जाएगा, तो जैसे हमने बताया कि इंटरमीडिएट को नेशनल में नहीं जोड़ा जाता है, पर यहाँ पर उसने फार्मर ने उसको रिकॉर्ड करवा दिया है, तो अब हम 1500 को जोड़ेंगे, अब 1500 में ऑलरेडी 1000 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम डबल काउंटिंग अराइज होगी, इसी तरह से इसको फ्लोर मिल को बेकर ने खरीद लिया, अब बेकर ने उसे बेकरी में फ्लोर को कन्वर्ट करके ब्रेड में कन्वर्ट किया, तो ये 1500 का जो फ्लोर था जो कि फ्लोर मिल के लिए फाइनल प्रोडक्ट था पर वो बेकर के लिए इंटरमीडिएट ट्रीट होगा, और उसने उसे ब्रेड के रूप में 3000 में बेच दिया, तो अब हम नेशनल इनकम में 3000 जोड़ेंगे, 1500 जोड़ेंगे, 1000, अब जब इन सब के फाइनल प्रोडक्ट मान के ऐड करेंगे तो हमारी जो नेशनल इनकम आएगी वो 5500 आएगी, इस टाइम हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट कर दी है, क्योंकि वीट की वैल्यू ऑलरेडी हमने फ्लोर में इंक्लूड कर रख ली है और वही फ्लोर की वैल्यू हमने ब्रेड में इंक्लूड कर दिया, तो इस टाइम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हुई है। अब इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हमें बचने का, निकलने का तरीका यही है कि हम दो मेथड को अप्लाई करें, फर्स्ट फाइनल प्रोडक्ट मेथड, जिसमें हम सिर्फ फाइनल गुड की ही वैल्यू को नेशनल इनकम में रिकॉर्ड कराएं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ब्रेड, तो 3000 हमारी नेशनल इनकम होनी चाहिए थी जो कि हमने प्रॉब्लम डबल काउंटिंग के कारण 5500 कैलकुलेट कर लिया, तो 3000 हमारी नेशनल इनकम होनी चाहिए थी, 55 यानी 2500 का हमने डबल काउंटिंग क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा फाइनल प्रोडक्ट मेथड के अलावा वैल्यू एडेड मेथड यूज कर सकते हैं जिससे हम नेशनल इनकम का सही कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में पता किया था कि वैल्यू एडेड कैसे निकाला जाता है, फार्मर की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 1000 का और उसका इंटरमीडिएट मान लेते हैं निल, जीरो, उसने जो सीड्स खरीदी है उसको हम जीरो वैल्यू मानते हैं, तो उसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ, उसका वैल्यू एडिशन 1000 का हुआ। वहीं अगर फ्लोर मिल की बात करते हैं तो उसने वीट को कन्वर्ट करके फ्लोर 1500 में बेचा पर इंटरमीडिएट उसने 1000 का खरीदा, तो इस हिसाब से उसने 500 का वैल्यू एडिशन किया। इसके बाद हम बेकर की बात करते हैं, बेकर का वैल्यू एडेड निकालेंगे तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 3000 का है और इसका इंटरमीडिएट 1500 का है, तो उसने 1500 का वैल्यू एडिशन किया। अब तीनों का जब वैल्यू एडिशन निकालोगे, ऐड करोगे तो 3000 निकल आया, तो वैल्यू एडेड मेथड से भी हमारी नेशनल इनकम 3000 आई। तो तीनों में हमने देखा कि सबने अपने प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट ट्रीट किया और फाइनल प्रोडक्ट ट्रीट करने के रिजल्ट में हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट हुई। अब उसको अगर हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं तो वो एरर रिड्यूस होता है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और उसके मेजर्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट इनकम में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर, यानी कि जीडीपी उसका और वेलफेयर। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जितना भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फाइनल गुड बनेगा उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या जीडीपी और उसके वेलफेयर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो हम यहीं पर उसकी लिमिटेशन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी,
व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड जीडीपी, तो हम इसी की बात करते हैं। तो कहां पर हमारे देश की जीडीपी ज्यादा होने पर भी लोगों का वेलफेयर कम होता है और कहां पर हमारी जीडीपी कम होने पर भी वेलफेयर ज्यादा होता है? तो सबसे पहले है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी हमारी जीडीपी का कंपोजिशन कैसा हुआ है, यानी जीडीपी बनी किससे है। हमारे दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, सोशल गुड और अनसोशल गुड। सोशल गुड्स का मतलब हो गया जो सोशल वेलफेयर के लिए काम में आ रहे हैं, जैसे खादी प्रोडक्ट है, मेडिसिन है, ये हमारे सोशल गुड्स है। वहीं टबैको है, अल्कोहल है, ये अनसोशल गुड्स है। अगर हमारे टबैको और अल्कोहल से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हुआ है, कंपोजिशन हुआ है, यानी ज्यादातर टबैको अल्कोहल प्रोड्यूस करके ही जीडीपी की वैल्यू बढ़ाई गई है, तो इस टाइम जीडीपी हाई आएगी पर वेलफेयर लो आएगा। वहीं अगर सोशल गुड्स जैसे कि मेडिसिन, एसेंशियल कमोडिटीज हैं जो कि सोशल गुड्स हैं, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस की जाती है, इनकी मार्केट वैल्यू हाई नहीं होती है, तो ऐसे में जीडीपी कम आएगी पर वेलफेयर हाई होगा। तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ जीडीपी से हमारे जीडीपी और उसके वेलफेयर का रिलेशन पता लगता है। तो हमारे कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में अगर सोशल गुड्स हैं तो हमारी जीडीपी कम रहकर भी वेलफेयर बढ़ा सकती है, और अगर हमारे अनसोशल गुड्स से जीडीपी कंट्रीब्यूट हुई है तो हमारे वेलफेयर कम आएगा पर जीडीपी हाई आएगी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि अगर हमारी जीडीपी डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है। समहाउ व्हेन जीडीपी इज जनरेटेड एंड इट इज एक्युमुलेटेड इन ए फ्यू हैंड, यानी कि जीडीपी ज्यादा बनी है पर कुछ ही लोगों के पास उसका पैसा पहुंच रहा है, तो ऐसे में जीडीपी हाई रहते हुए भी वेलफेयर नहीं होगा। दैट मीन्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम अनइवन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रिच रिच हो जाएंगे, पुअर पुअर हो जाएंगे, तो ऐसे में जीडीपी तो हाई आएगी पर वेलफेयर लो होगा। थर्ड एक्सटर्नलिटीज, एक्सटर्नलिटीज मीन्स दोज एक्टिविटी फॉर होम द प्रोड्यूसर आर नॉट पेनलाइज और रिवॉर्डेड, यानी वो एक्टिविटी जिसके लिए प्रोड्यूसर को ना ही पेनल्टी दी जाती है और ना ही उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने अपना एक यहाँ पर प्लांट डाला, प्लांट डालने से क्या हुआ, यहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ, शहर बने, अर्बनाइजेशन होने के कारण जो वेलफेयर है यहाँ का डेवलप हुआ, तो उसके रिजल्ट में उस रिलायंस कंपनी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। पर वहीं उस प्लांट के कारण पॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट हुआ और पॉल्यूशन होने के कारण सोसाइटी को वेरियस डिसीजेस फेस करनी पड़ी, तो ऐसे में क्या हुआ, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है और वो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण बढ़ रही है, यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बढ़ रही है, तो ऐसे में जीडीपी बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। और अगर एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज के कारण हो रही है, दैट मीन्स जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ वेलफेयर भी बढ़ रहा है, तो ये हमारे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कहलाएगी। इसके अलावा पॉपुलेशन, अगर हमारी जीडीपी के की कंपैरेटिवली पॉपुलेशन उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो इस टाइम हमारी जीडीपी के बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन से वेलफेयर इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन, जीडीपी बढ़ी है और वो भी प्राइस के बढ़ने से बढ़ी है, यानी प्राइस राइज हुए जिसके कारण जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आई है, तो ऐसे में जीडीपी बढ़ेगी पर वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो इस ये फैक्टर है जिसमें जीडीपी का वेलफेयर के साथ नेगेटिव रिलेशंस क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जब हम निकालते हैं और रियल जीडीपी निकालते हैं, तो हमें इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इंडेक्स नंबर में हमें यह पता है कि जो प्राइस बेस ईयर का होता है उसको जीरो से डिनोट किया जाता है और जो करंट ईयर का होता है वो वन से डिनोट किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी जब हम निकालते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्वांटिटी ऑफ
करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल कर आता है, और अगर हम करंट ईयर की क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर इनटू प्राइस ऑफ बेस ईयर कर देते हैं तो हमारा रियल जीडीपी निकल आता है। रियल जीडीपी इज ए ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, ये वेलफेयर का ट्रू इंडिकेटर होता है, नॉमिनल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है। सपोज एक एग्जांपल लेकर हम उस न्यूमेरिकल को करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि हम 2020 ईयर में देख रहे हैं कि पेन के प्राइस को, वैसे तो वेरियस प्रोडक्ट लिए जाते हैं मैक्रो में, पर हम एक सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से इस एग्जांपल को समझेंगे। तो 2019 में इस पेन के प्राइस थे 10 रुपीज, और 2020 में इसके प्राइस हो गए 12 रुपीज। 2020 में इसकी जो क्वांटिटी थी, ये प्राइस P1 से डिनोट किया जाता है करंट ईयर का, और बेस ईयर का P0 से। अब इस 2020 में हमारे यहां पर 100 पेन बने, तो अगर मैं बोलूं कि नॉमिनल जीडीपी निकालिए, तो नॉमिनल जीडीपी में आप करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स क्वांटिटी कितनी है 100 और प्राइस करंट ईयर में कितना है 12, तो हमारा यहाँ पर 1200 आंसर आ गया नॉमिनल जीडीपी। पर अगर रियल जीडीपी निकालने की बात करें तो रियल जीडीपी क्या करता है, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करता है, दैट मीन्स 100 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 निकल कर आ रहे हैं, ये हमारा रियल जीडीपी कहलाएगा। तो रियल जीडीपी जो है वो बेस ईयर के प्राइस से कैलकुलेट की जाती है, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस से मेजर की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि रियल जीडीपी रिफर्स टू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री इन ए बेस ईयर प्राइस, एंड नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए करंट ईयर प्राइस। तो जो करंट ईयर प्राइस में जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी, और अगर जो बेस ईयर के प्राइस से निकालोगे तो वो आपकी रियल जीडीपी कहलाएगी। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बिहाफ पर बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपको निकालना है तो आपको नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 करके कैलकुलेट करना होगा। जैसे सपोज उसको जीडीपी डिफ्लेटर को प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। अगर जैसे सपोज क्वेश्चन दे रहा है कि हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 है और आपका नॉमिनल जीडीपी आपका 1200 है, तो आपका रियल जीडीपी क्या होगा? तो आप इसी फॉर्मूले में इसको पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 1200 अपॉन रियल इनटू 100। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया रियल जीडीपी इज इक्वल टू 1200 अपॉन 100 इनटू 100, तो आपकी 1200 आंसर आया। अब जैसे मैंने आपको बताया है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इंडेक्स नंबर में 100 इज द बेस, 100 से ऊपर जितना आंसर आता है वो उतना इन्फ्लेशनरी प्रेशर को दिखाता है, और 100 से जितना नीचे आएगा वो डिफ्लेशनरी प्रेशर को दिखाता है। दैट मीन्स अगर हमारा आंसर 120 आ रहा है तो इसका मतलब 20% राइज इन प्राइस, जनरल प्राइस यानी महंगाई 20% राइज की गई है, और अगर हमारा 80 आ रहा है तो इसका मतलब 20% फॉल इन प्राइस, जनरल प्राइस। तो जब भी 100 से जितना राइज करेगा वो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है, और 100 से जितना नीचे दिखाता है वो डिफ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसमें एक टर्म होता है ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि जीडीपी सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर कौन ग्रीन जीडीपी फोकस कर रहा है? तो ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री विदाउट
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन एंड विदाउट एक्सट्रैक्टिंग ए पॉल्यूशन, यानी कि अगर हम अपने रिसोर्स डिस्ट्रॉय भी ना करें और पोल्यूशन भी एक्सट्रैक्ट ना करें और उसके बावजूद भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी जो जीडीपी निकलेगी वो ग्रीन जीडीपी कहलाएगी। स्टूडेंट, आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, वो आपको पीडीएफ फाइल में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल बटन। थैंक यू।